मौलाना तौकीर रजा अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। वो धर्म, जाति और देश से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर बेहद तल्ख नजर आते हैं। वहीं हाल ही में मौलाना तौकीर रजा के एक बयान ने राजनीति गर्मी को और बढ़ा दिया है। मौलाना तौकीर रजा के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने ये बयान मुस्लिम लड़कियों और हिंदू लड़कों को लेकर दिया था। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश की जा रही है, मुस्लिम बस्तियों में टारगेट करके युवाओं को नशे का आदि बनाया जा रहा है, मुस्लिम युवा ही नशा बेचने और खरीदने का कारोबार कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों के हिंदू समुदाय के लड़कों के संबंध के पीछे आरएसएस का हाथ है, हिंदू लड़कों को इसके लिए फंडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, हमें खुद इस पर नियंत्रण करना होगा। मौलाना तौकीर रजा आगे कहते नजर आ रहे हैं कि अपने मोहल्ले बस्तियों में गौर कीजिए, जिस तरफ गौर नहीं किया जा रहा है वो असल साजिश है, और असल साजिश ये है कि मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। बेचने वाला भी मुस्लिम है और खरीदने वाला भी मुस्लिम है। हिंदू मोहल्लों में हालात ठीक हैं, मुस्लिम बस्तियों में लड़के रातों में चौराहे पर बैठे रहते हैं। लोगों को लगता है कि वो मोबाइल में बिजी हैं, लेकिन वो नशे में बिजी हैं। जो रात भर नशा करते हैं वो दिन भर सोते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन नौजवानों की तवज्जो किसी पर नहीं है, उनकी बहनें कहाँ जा रही है इस पर ध्यान नहीं है। उनकी बहनें इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे घर वाले इस लायक नहीं है कि उनकी शादी हो सके। भाई नशे में पड़ा है, काम नहीं करता है। अगर हम इन नौजवानों को रोकने में कामयाब हो गए तो हम इस चीजों को ठीक कर सकते हैं। ये किसी एक का काम नहीं, सबको इस पर काम करना चाहिए। नशे के खिलाफ मुहिम चलाना जरूरी है। मौलाना ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब हुकूमत की तरफ से हो रहा है कि मुस्लिम बस्तियों में नशा इतना आम कर दो कि कोई भी आसानी से उसे ले सके। पुलिस के संरक्षण में ये काम हो रहा है। पुलिस से शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको खुद करना है। हमें अपनी नौजवान नस्ल जो हाथ से बिल्कुल जा चुकी है उसे बचाना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।